रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे बीच में हैं और भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता धन सिंह रावत जी हमारे बीच में हैं। सबसे पहले मैं सतपाल महाराज जी से आग्रह करता हूं कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद जी। सभी पत्रकार बंधुओं को उपस्थित होने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी उत्तराखंड के अंदर हमारी पार्टी की पर्दाफाश रैली जो चल रही है और 2 तारीख को संपन्न हो जाएगी। अनेक सुदूर क्षेत्रों में जनता को जानकारी देते हुए हम जनता को बता रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार, चाहे वो खनन हो, आबकारी हो, उसमें हो रहा है। केवल 10 दिन का जब राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्य के अंदर 100 करोड़ से ऊपर राजस्व प्राप्त हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना घाटा राज्य को हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपका गला सूख रहा हो तो उसको तर करने के लिए हम कोदा और झंगोरे की शराब बनाएंगे। कोदा और झंगोरा वहाँ का नेटिव एक स्टेपल है, वहाँ का खाद्यान्न है, और हम भांग की खेती करेंगे। इस विजन को लेकर के आप क्या एक पर्वतीय राज्य को आगे बढ़ाएंगे? आपने स्टिंगों के बारे में सुना होगा। पहला स्टिंग ऑपरेशन आया जिसके अंदर मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी इन्वॉल्व थे और उसके अंदर हरपाल का और रंजीत रावत का नाम आया। और एक शराब व्यापारी कह रहा है कि हमने इतने पैसे जो हैं हरपाल को दिए। दूसरा स्टिंग ऑपरेशन आता है जिसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, 20-25 करोड़ नहीं हैं, मैं अच्छा सा मंत्रालय दे दूंगा, यू कैन टेक अ चॉइस ऑफ मिनिस्ट्री और आप 25-30 कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। महाभारत काल में धृतराष्ट्र की तो आंखें नहीं थी, उनकी सहधर्मणी, उनकी अंगपत्नी गांधारी अगर देखती तो शायद अपने पति को सही रास्ते पर चलाती, पर उसने भी पट्टी बांध दी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक मुख्यमंत्री आंखें बंद करने के लिए नहीं होता है, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए नहीं होता है। काश वो अपने ओएसडी हरपाल, अपने सलाहकार रंजीत रावत को सस्पेंड करते और जांच कराते और अपने को निर्दोष साबित करते। एक मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है, मैं आपके सामने हरीश रावत जी ने जो शपथ ली वो पढ़ रहा हूं। मैं हरीश रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हरीश रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए आएगा, लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यहां कहीं पर भी मुख्यमंत्री नहीं कहते हैं कि मैं आंख बंद कर लूंगा, 25-30 करोड़ कमाने दूंगा। अर्थात उन्होंने शपथ का सरासर उल्लंघन किया है। पर्दाफाश रैली में बहुत से मुद्दों को हमने जनता के आगे रखा। यह भी रखा
कि एक मुख्यमंत्री को क्या आंखें बंद करनी चाहिए। जनता ने हाथ उठा करके करतल ध्वनि से कहा नहीं, और ऐसे भ्रष्टाचारी को हम यहां से हटाएंगे। मैं तो पहले भी कहता था कि दुनिया में पाप कर लो, उत्तराखंड की भूमि में आओगे, यहां स्नान करोगे गंगा में तो आपके पाप धुल जाएंगे, पर देवभूमि में पाप करोगे, देवभूमि में भ्रष्टाचार करोगे तो कहीं भी आपको निजात नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको जो है बचने का मौका नहीं मिलेगा। एक बहुत गंभीर प्रकरण मेरे सामने आया जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हरीश रावत का माफिया तंत्र धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हुई जमीनों को हड़पने में लगा हुआ है। हरिद्वार में सिख समाज से संबंधित धार्मिक संस्था निर्मल विरक्त कुटिया की कई 100 करोड़ की जमीन को हरीश रावत अपने माफिया सलाहकारों एवं भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से रानीपुर थाना क्षेत्र में इस संस्था से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एक मुकदमा 181/16 अंडर सेक्शन 307 IPC पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे की CBI से जांच न केवल प्रकरण की सत्यता की निष्पक्षता से परीक्षण हेतु आवश्यक है, बल्कि किन लोगों के प्रभाव में और किस उद्देश्य से यह सब हो रहा है सामने लाने हेतु आवश्यक है। मैं सीधे तौर पर चुनौती देता हूं कि एक उच्च स्तरीय जांच कराते हुए हरीश रावत के सबसे मुख्य सलाहकार रंजीत रावत एवं हरिद्वार जनपद के वर्तमान SSP राजीव स्वरूप का नार्को परीक्षण कराया जाए, और यदि जांच में निर्मल कुटिया की जमीन को हड़पने में इन लोगों की संलिप्तता की पुष्टि नहीं होती है तो मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं निर्मल विरक्त कुटिया की जमीन हड़पने में हरीश रावत की संलिप्तता के संदर्भ में उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। ये ज्ञापन हम लोग राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं, माननीय हमारे गृह मंत्री को दे रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाए, और इस प्रकार के जो बड़ी बड़ी धार्मिक जमीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हड़पने की एक साजिश चल रही है। मेरा हरीश रावत से कोई व्यक्तिगत वैमनस्य नहीं है। हरीश रावत जी माफिया तंत्र की राजनीति करते हैं, हम लोग अध्यात्म मानव सेवा की राजनीति करते हैं, और मैं अब निशंक जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात कहें। मित्रों, आपको मालूम है कि उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ डूबी हुई है। ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के तार केंद्र में कांग्रेस के नेताओं से जुड़े हुए हैं, और उसने इस बात को साबित किया है कि जब अभी सतपाल महाराज जी जिस प्रकरण पर बोल रहे थे कि आबकारी घोटाले में जो उनके सचिव ने नाम कहा है और वीडियो स्ट्रिंग है जिसमें उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपया दिल्ली को देना है, दिल्ली में देना है, ये जो 20 करोड़ रुपया दिल्ली में देना है, दिल्ली को देना है, इस बात की पुष्टि इस बात से साबित होती है कि 3-3 स्टिंग ऑपरेशन होने के बाद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का कितना अनन्य स्नेह और प्रेम वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार के प्रति है कि जो मुख्यमंत्री ये कह दें कि आप 5-5 करोड़ रुपए अपने विधायकों को भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए देने की बात करते हों, और 5-5 करोड़ देने के बाद भी ये प्रस्ताव रखते हों कि मंत्रालय भी दे देंगे और उसके अलावा यदि 25-30 करोड़ से भी ज़्यादा कमाने हों तो मुँह मोड़ लेंगे। जो मुख्यमंत्री राज्य को नीलाम करने की बात सार्वजनिक तरीके से कहते हों, वहाँ सोनिया गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि क्या ऐसी ही सरकार आप देश भर में चाहते हैं, और आपका क्या लिंक है उस सरकार से? क्या ये बात सच नहीं है कि वहाँ का पैसा जो अभी हजारों करोड़ खनन से आ रहा है, जो सैकड़ों करोड़ रुपए आबकारी का घोटाला हुआ है, जो
केदारनाथ की त्रासदी में भयंकर घोटाला हुआ है। आपदा के लोगों को भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं छोड़ा है, यहाँ तक कि टेहरी का जो विस्थापित है, जिन लोगों ने देश की प्रगति में टेहरी वाले जिन दर्जनों दर्जनों गांव ने अपनी आहुति दी हो, उनको जो विस्थापित किया गया है, उनकी भूमि में भी बहुत बड़ा घोटाला करना, तो चाहे पुनर्वासित हों, चाहे आपदाग्रस्त हों, चाहे आबकारी हों, चाहे खनन हो, चाहे भूमि, इन तमाम एक के बाद एक तमाम मिस्टिंग प्रकरणों में आए मुख्यमंत्री आज चौराहे पर खड़े हैं। उस प्रदेश की जनता हताश से निराश है और जिस तरीके से विकास को एक तरफ चौराहे पर खड़ा करके केवल और केवल घोटाले पर आकर के वो सरकार खड़ी है, मेरा स्पष्ट आरोप है कि उन मुख्यमंत्री को, वहाँ की सरकार को, केंद्र में बैठे लोगों की जो कांग्रेस के लोग हैं, उनका सीधा सीधा शय है। अन्यथा ये सब कुछ आने के बाद, तीन तीन स्टिंग आने के बाद, और यहाँ का कांग्रेस का नेतृत्व आंख बंद करके और प्रोत्साहन देता हो, इस बात का सबूत, इससे बड़ा पुख्ता सबूत कोई नहीं हो सकता। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो हमारी ये यात्रा थी, पर्दाफाश यात्रा, बहुत ऐतिहासिक चल रही है और जहाँ जहाँ भी जन सैलाब उमड़ रहा है, कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हमको भरोसा है कि 2017 में हम भारी बहुमत से उत्तराखंड की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे। मित्रों, कुछ आप लोगों के सवाल हों तो आप पूछ सकते हैं। आपको तो मालूम है कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, उनके साथ कौन है, हर दिन एक विधायक एक मंत्री नया बयान देता है, वहां कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। 10 लोग तो उनसे बगावत करके जा ही चुके हैं, अब वहां कांग्रेस रह क्या गई है। रोज नया, अभी 2-3 विधायकों के जो नए बयान आए हैं और 5-6 लोगों ने जो अलग मीटिंग की है, जो मीडिया में आया है, उससे ये साबित होता है कि कांग्रेस नाम की कोई चीज अब उस धरती पर रहेगी नहीं। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, आरोप लगते हैं, आरोपों की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसे दंडित होना चाहिए, यही हमारा मानना है। नहीं, ट्रायल नहीं है। मैंने तो उनकी शपथ को बताया कि भाई उनकी शपथ में कितनी उन्होंने उस शपथ को रखा है। निश्चित रूप में अपने पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष जी से हम पूछेंगे और जो उनका आदेश होगा उसका पालन होगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, पूरी दुनिया का आज सबसे बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी। इस बड़े परिवार में सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। जो लोग आ रहे हैं, टिकट किसको मिलेगा और किस आधार पर मिलेगा, ये तो पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी और इसलिए उसमें कोई विवाद नहीं है। पार्टी में जो आ रहे हैं किसी शर्त के साथ नहीं आ रहे हैं, तो आए, सबके लिए पार्टी के दरवाजे खुले। ये काम तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मेरे नेतृत्व का है कि वो तय करेंगे कि कौन कौन होंगे, बता देंगे जहां पर बताना होगा। इसमें एफआईआर की भी इसमें कॉपी अटैच्ड है। मित्रों, एक विषय रह गया कि जब से हरीश रावत जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं,
और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब उनको अपनी सरकार बचानी थी उस वक्त बहुत पैसा उन्होंने खर्च किया, और वैसे एक सीडी में दिखाई भी दिया कि जितना कितना पैसा किसको दे रहे हैं। उनके एक विधायक की सीडी भी आई थी जिसमें कहा गया कि 25-25 लाख 50-50 लाख प्रत्येक विधायक को दिया गया। अब हरीश रावत जी जो खर्चा किया है उसकी रिकवरी कर रहे हैं, और जब से हरीश रावत जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार में और कमीशनखोरी में बहुत बढ़ोतरी हुई है, और इतना इस कदर भ्रष्टाचार बढ़ा है कि वो स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है चारों तरफ। और हमारे यहाँ हरीश रावत जी को हरदा कहते हैं, तो एक बहुत चर्चा है कि हर काम पे हरदा टैक्स, हरदा कर जो है वो लागू कर दिया गया है। 20% का हरदा कर हर चीज़ पर लिया जा रहा है, फिर आप जो मर्जी कीजिए, कोई काम हो सरकार का जो भी काम हो उसमें हरदा कर लिया जाता है। फिर आप सीमेंट में बालू मिलाइए, मिट्टी मिलाइए, तेल में पानी मिलाइए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन हरदा कर वहाँ देना ज़रूरी है। और उत्तराखंड में काम करने वाले, उत्तराखंड में विकास परियोजनाएं जहाँ जहाँ चल रही है वो सब लोग बहुत त्रस्त हैं, लेकिन सरकार रोज़ का रोज़ अपना मीटर घुमा रही है, पैसे जमा कर रही है, और इतना पैसा जमा किया जा रहा है इस देवभूमि में, इस कदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव को हरीश रावत जी किस कदर पैसों से जीतना चाहते हैं उसकी वहाँ एक वानगी दिख रही है। अगर आप भी उत्तराखंड में जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, जो सरकारी व्यवस्था में चल रहा है, अगर आप किसी से पूछेंगे तो हरदा कर के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। इसलिए हरीश रावत जी के नाम से एक भ्रष्टाचार का एक टैक्स चालू हो गया है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपसे।